नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से करता हूँ आपका स्वागत इंडियन आर्किटेक्ट के यूट्यूब चैनल पर। पीछे जो आप ये अंडर कंस्ट्रक्शन हवेली देख रहे हैं, ये भगवान सिंह जी पाटी जी के लिए हमने डिज़ाइन किया हुआ था, जो कि आज लगभग इसका सुपर स्ट्रक्चर वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आने वाले 2 या 3 महीने के अंदर इस पर स्टोन वर्क स्टार्ट होने वाला है। तो काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी, जैसे कि मैनपुरी से दीपक जी ने हमें बोला था और अहमदनगर से भाफना जी ने हमें स्पेशली इस प्रोजेक्ट के लिए बोला गया था कि इसकी अपडेशंस क्या है, ये अब तक कितना बन चुका है और इसमें क्या क्या काम हो चुका है वो हमें बताइए। तो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर वही सारी चीज़ें लेकर के आए हैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर। तो आप लास्ट तक पूरा इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको अधिक से अधिक इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो दोस्तों शुरू करें। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये पूर्व दिशा वाला पोर्शन है और साथ ही साथ में ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा उत्तर दिशा वाला पोर्शन है, जिसके अंदर आप आगे की तरफ देखेंगे ये जो हमने गोखड़ा निकाला हुआ है, ईशान कोण का हिस्सा ये बन जाता है और इसी की खूबसूरती आप 3D के अंदर भी देख रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही शानदार खूबसूरत बन जाएगी। इसके फर्स्ट फ्लोर पर एक ज़बरदस्त छतरी यहाँ पर बनने वाली है और यही छतरी इसके सभी दिशाओं के अंदर बनेगी। अब इसको घुमाते हुए हम ले चलते हैं इसके अग्नि कोण वाले हिस्से पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो गोखड़ा निकला हुआ है, ये गोखड़ा पूरा का पूरा किचन के अंदर हमने निकाला है और ये पूरा अग्निकोण है और इसी अग्निकोण से हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर पूरा हमने इसमें किचन बनाया और उसके बाद में ये जो दरवाज़ा है ये लगभग S4 के अंदर आता है। इसके बाद में बीच वाले पोर्शन जो है ये साउथ वेस्ट साउथ एंगल है, जहाँ पर टॉयलेट्स दिए हैं। और उसके बाद में ये नैऋत्य कोण वाला हिस्सा आ जाता है, जहाँ पर हमने एक मास्टर बेडरूम बनाया है। और उसके बाद ये वेस्ट साइड से पोर्च है और ये पूरा लुकिंग आप इसमें देख सकते हैं। पश्चिम दिशा वाला जो ये पोर्च है, इसमें जो द्वार है वो W4 और W5 जो कि पुष्पदंत वरुण का है, वहाँ से हमने इसमें एंट्री दी हुई है। जैसा कि आप सभी ने वीडियो के अंदर देखा था, 3D मॉडल के अंदर देखा था, वैसा का वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर बन करके अब लगभग तैयार हो चुका है। इस पर जैसे जैसे आगे प्रोसेस होता जाएगा मैं और भी इससे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा, क्योंकि ये लगभग 10 से 12 हज़ार स्क्वायर फीट के अंदर बनने वाली एक शानदार हवेली है, जिसका भी यहाँ की लोकल भाषा में कहा जाता है कि नंगा काम है। तो ये लगभग कंप्लीट हो चुका है स्ट्रक्चर वाइज और बहुत ही जल्दी इसको हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा और हम बहुत जल्दी मिलेंगे इस प्रोजेक्ट के कम्प्लीटेशन वीडियो के साथ में। दोस्तों मैं आपको ले आया हूँ इसके टॉप फ्लोर टेरेस फ्लोर पर, जहाँ पर ये सारे डिजाइन हमने ऊपर की 12 दरी और छतरियाँ बनाने के लिए निकाले हुए हैं और इन पर RCC कॉलम्स होने के बाद में हर तरह से इस पर पत्थर लग जाएंगे और एक बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ जो आपको 12 दरी का हर बार दिखाई देता है इल्यूशन में और छतरियों में, उसका ये बेस फाउंडेशन है, उसमें ये हो जाएंगे। और आप देख सकते हो यहाँ की खूबसूरती जो बहुत ही आनंददायक रहने वाली है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमने इसे पूरा इसकी चारों दिशाओं से आपको दिखाया है और अब इसके एक बार वॉक थ्रू को आप ज़रूर देखिए ताकि आपको और डिटेल से इसके बारे में जानकारी मिल सके।